हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं भारत दर्पण टीवी। नक्चड़ी बड़बोली एक्ट्रेस पायल रोहतगी को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पायल हमेशा किसी न किसी वजह से विवादों में बनी रहती हैं। पायल एक फ्लॉप एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड और भोजपुरी में किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन अपने स्वभाव की वजह से उन्हें कुछ भी हासिल ना हो सका। लेकिन इस बार पायल ने कुछ अलग करने की ठानी और पायल एक्ट्रेस से सीधे कथित मोदी भक्त बन गई। और उसके बाद पायल ने सोशल मीडिया पर गैर भाजपाइयों की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पायल ने नेहरू गांधी से लेकर राहुल सोनिया, प्रियंका अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसी नेताओं पर अभद्र टिप्पणियां कर चुकी हैं, जिसको लेकर पायल पर FIR भी हो चुकी है। लेकिन पायल की बदजुबानी फिर भी खत्म नहीं हुई है। पायल की बदजुबानी का ही नतीजा है कि उनकी सोसाइटी वाले पायल से परेशान रहते हैं। पायल ने अभी हाल ही में सोसाइटी के चेयरमैन के खिलाफ सोशल मीडिया में गाली दी थी। इसके बाद पायल ने बाद में पोस्ट डिलीट कर दिया था। साथ ही पायल पर सोसाइटी के लोगों को साथ बार बार झगड़ा करना, चेयरमैन को जान से मारने की धमकी देने के आरोप भी हैं। पायल रोहतगी को अहमदाबाद सेटेलाइट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 20 जून को हुई सोसाइटी की AGM मीटिंग में पायल रोहतगी सदस्य न होने के बावजूद जबरदस्ती मीटिंग में आई थी। जब उन्हें बोलने से मना किया गया तो वो गालियाँ देने लगी। साथ ही सोसाइटी में बच्चों के खेलने को लेकर भी कई बार झगड़ा कर चुकी हैं। इससे पहले भी पायल एक बार अरेस्ट हो चुकी हैं। पायल रोहतगी को राजस्थान की बूंदी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पायल को अहमदाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद पायल को राजस्थान कोर्ट से जमानत मिली थी। सोशल मीडिया पर 21 सितंबर 2019 को पायल की ओर से वीडियो और पोस्ट डाली गई थी। इस वीडियो में पूर्व स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू और पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थी। पायल रोहतगी के खिलाफ समाज सेवी और यूथ कांग्रेस नेता शर्मेश शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी। एक्ट्रेस पायल रोहतगी अक्सर अपने बयानों और बदजुबानी के चलते सुर्खियों में बनी रहती हैं। पायल अपने भद्दे और घटिया ट्वीट्स की वजह से काफ़ी सुर्खियां बटोरती हैं। इसकी वजह से पायल को ट्रोल भी किया जाता है। पायल सती प्रथा की तरफदारी करती हैं। नोबेल से सम्मानित मलाला यूसुफजई को अपशब्द कहने, वीर शिवाजी महाराज की जाति पर सवाल उठाने, धारा 370 को लेकर विवादास्पद बयान देने, फूड ऐप जोमैटो को सेक्युलर आउटलेट कहना इत्यादि कई घटिया बयान पायल को मुसीबत में डालते रहते हैं। उन्हें एक्टिंग में कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं मिल पाई। पायल, ये क्या हो रहा है? रिफ्यूजी, तुमसे मिलकर, रक्त, तौबा तौबा, 36 चाइना टाउन, ढोल, अलगी और पगली, दिल, कबड्डी जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वो TV में भी काम कर चुकी हैं। वो बिग बॉस में दिखी थी जहाँ से उन्हें चर्चा मिली थी। वो फियर फैक्टर इंडिया 2 में नजर आई थी, लेकिन पायल साइड रोल में ही सिमट कर रह गई। पायल का नकचड़ा और बड़बोलापन हमेशा उन पर भारी रहा। यही वजह रही कि पायल को बहुत कुछ मिला, लेकिन उनकी हरकतों की वजह से फिर उन्हें कुछ भी नहीं मिल सका। इस आंख में फिलहाल इतना ही। खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए भारत दर्पण TV।